हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी पार्ट टू देखने वाले हैं. तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर स्लाइड. सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. फर्स्ट इज यंग्स मॉडुलस, सेकेंड इज बल्क मॉडुलस, एंड थर्ड इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. यंग्स मॉडुलस इज डिनोटेड बाय द सिम्बॉल कैपिटल वाई, बल्क मॉडुलस इज डिनोटेड बाय द सिम्बॉल कैपिटल के, and modulus of rigidity is denoted by the symbol eta. अभी हम यंग्स मॉडुलस देखेंगे. यंग्स मॉडुलस क्या है? तो उसका जो डेफिनेशन है, दैट इज़ द डेफिनेशन इज द रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट. हियर द वर्ड अगेन, विद इन इलास्टिक लिमिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू विल नॉट राइट, यू विल नॉट गेट मार्क्स. तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस बोला है और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. देन लॉन्जिट्यूडनल क्या है? जब चेंज अलॉन्ग द लेंथ होता है, लेंथ के ऊपर जब चेंज होता है, तो उसको हम लॉन्जिट्यूडनल चेंज बोलते हैं. इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रेस अप्लाई हुआ है वो है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. और इसका जो SI सिस्टम है, दैट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. CGS सिस्टम में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. और इसका जो डायमेंशन अगर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा m^1, l^-1, t^-2. बल्क मॉडुलस को हम K से डिनोट किए हैं, एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन. बल्क यानी वॉल्यूम से रिलेटेड है, हैंस स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन. बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू F/A. जो हमारा स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया. और जब वॉल्यूम स्ट्रेन है, यानी चेंज इन वॉल्यूम dV, स्मॉल वॉल्यूम जो है, चेंज इन वॉल्यूम dV टू द ओरिजिनल वॉल्यूम V, हम उसको ही F/A. यहाँ पे हम प्रेशर भी बोल सकते हैं, इसलिए इट इज़ वी रिप्लेस F/A dP अपॉन dV इंटू V. अब जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है, सो हमें उसे नेगेटिव साइन भी इंडिकेट करना पड़ेगा. एंड दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स एन इंक्रीज इन द अप्लाइड प्रेशर कॉसेस ए डिक्रीज इन द वॉल्यूम. अगर हमने प्रेशर बढ़ाया, बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घट जाएगा, डिक्रीज होगा. या अगर हमने प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा. सो दे रन्स तो उन दोनों के बीच में जो साइन रहेगा वो माइनस साइन रहेगा, नेगेटिव साइन. बल्क मॉडुलस जो है वो, अगर उसको मैंने रेसिप्रोकल लिया तो मुझे कंप्रेसिबिलिटी मिलेगा. वेरी इंपॉर्टेंट है कंप्रेसिबिलिटी. सो बीटा इज इक्वल टू, बीटा से हमने कंप्रेसिबिलिटी को हमने डिनोट किया है कंप्रेसिबिलिटी. सो बीटा इज इक्वल टू 1/ बल्क मॉडुलस किया. तो MCQ में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी. तो तुम्हें बताना चाहिए कि 1/K इज नथिंग बट कंप्रेसिबिलिटी. एंड कंप्रेसिबिलिटी सिर्फ लिक्विड एंड गैसेस शो करता है, सॉलिड नहीं शो करता है. ओनली द लिक्विड एंड गैसेस शो बल्क मॉडुलस. बल्क मॉडुलस सिर्फ लिक्विड और गैसेस शो करता है, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम से रिलेटेड है. यहां पे सॉलिड ये शो नहीं करता है. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा से डिनोट किया गया है, एंड इट इज़ रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन. इसके जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें तुम उसका डेरिवेशन देख सकते हो. तो हियर आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग द सिम्बल्स फॉर्मूलाज. तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा इज इक्वल टू F/A/φ. फाई जो है वो एंगल है. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में एक और MCQ आ सकता है, व्हाट इज ट्रांसवर्स इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसवर्स इलास्टिसिटी क्या है? तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ही का ही अनादर नेम इज कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसवर्स इलास्टिसिटी. नाउ पॉइजन्स रेशियो इज डिनोटेड बाय सिग्मा, एंड इट इज़ रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन. अब देखो लैटरल आ गया है, यानी लेंथ में नहीं है. वहाँ पे लेंथ के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन रहेगा उसको हम लैटरल बोलेंगे. ठीक है, लेंथ अगर सीधा हमारे वायर के सीधा मैंने अप्लाई फोर्स किया है, लंबाई में जा रहा है, तो उसको हम लॉन्जिट्यूडनल बोलेंगे. और लॉन्जिट्यूडनल के एग्जैक्टली पैरेलल में जो चेंज रहेगा वो लैटरल रहेगा. तो अभी पॉइजन्स रेशियो जो है वो लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन है. लैटरल स्ट्रेन, अगर मैंने एक वायर लिया और मैं वायर को खींच रही हूँ, मैं दोनों हाथों से लंबे में खींच रही हूँ, तो क्या हो गया? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. पर पहले क्या हो रहा है? लैटरल स्ट्रेन. लैटरल स्ट्रेन यानी उसका जो डायमीटर है वो छोटा होते जा रहा है, और उसी टाइम पे लॉन्जिट्यूडनल में क्या हो रहा है? उसका लेंथ बढ़ते जा रहा है. सो पॉइजन्स रेशियो सिग्मा इज नथिंग बट रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन.
मैंने यहाँ पे दो वायर लिए हैं, ए और बी। ए और बी दो अलग वायर नहीं है। ए जो है उसमें मैंने वेट अप्लाई किया नीचे और एम जी अप्लाई हुआ है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एम इज़ द मास और जी क्या है, ग्रेविटी। तो वेट का जो फॉर्मूला है अपना मास इनटू ग्रेविटी। जब मैंने वेट अप्लाई किया ए के बॉटम इधर, तो व्हाट हैपन, वो इलोंगेट हुआ। तो लैटरली उसका जो डायमीटर है, देखो ब्लू इसमें दिख रहा है, तो मैं उसका डायमीटर क्या हो गया, कम हो गया। बट ऑन द अदर एंड क्या हो गया, उसका जो लेंथ है, लॉन्जिट्यूड जो है, वो इंक्रीज हो गया। तो इफ एफ बी ए फोर्स अप्लाई एट द फ्री एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ द वायर ऑफ लेंथ, वायर का जो लेंथ है वो कैपिटल एल है और रेडियस कैपिटल आर है, और डी एल क्या है, इंक्रीज इन लेंथ एंड डी आर डिक्रीज इन डायमीटर विद द करस्पॉन्डिंग चेंज इन लेंथ एंड रेडियस ऑफ द वायर रेस्पेक्टिवली। पॉइजन्स रेशो सिग्मा जो है वो लैटरल स्ट्रेन, हम मैंने क्या बोला, लैटरल स्ट्रेन। जब मैंने वायर खींचा तो व्हाट हैपन, लैटरली क्या हुआ, उसका जो रेडियस है, मैं बोली डायमीटर कम हो रहा है, डायमीटर कम हो रहा है यानी रेडियस कम हो रहा, तो डी आर अपॉन ओरिजिनल, तो वहाँ पे मुझे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो कम हो रहा है, माइनस साइन। एंड लॉन्जिट्यूडनल लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, तो कितने चेंज हुआ है, डी एल से चेंज हुआ है और ओरिजिनल लेंथ क्या है, कैपिटल एल। सो लैटरल स्ट्रेन और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन मिला, वी विल सब्स्टिट्यूट इन द पॉइजन्स रेशो एंड वी विल ऑप्टेन पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन आर अपॉन डी एल अपॉन एल। हमने उसको सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट माइनस एल अपॉन आर इंटू डी आर अपॉन डी एल। पॉइजन्स रेशियो, तो पॉइजन्स रेशियो जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि ऊपर तुमने देखा आर अपॉन आर था, चेंज इन रेडियस टू कैप रेडियस, तो रेडियस सेंटीमीटर में है, तो लेंथ कैपिटल रेडियस भी सेंटीमीटर में लेगा और लेंथ भी सेंटीमीटर में है और चेंज इन लेंथ भी सेंटीमीटर में, सो यू विल गेट ए, इट इज़ ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, एम सी क्यू बेस आ सकता है कि पॉइजन्स रेशियो का डायमेंशन बताने के लिए। और इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू है 0.5 एंड माइनस 1 के बीच में, 0.5 एंड माइनस 1। यू कैन सी द डेरिवेशन रेंजेस ऑफ द पॉइजन्स रेशियो इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।